रहेंगे, मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल मेरे साथ गाजीपुर से हैं और सिंघू बॉर्डर से राम किंकर मेरे साथ है। कुणाल, पहले आपके पास सदन से प्रधानमंत्री ने कहा बातचीत का रास्ता खुला है, एमएसपी पर पूरी गारंटी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दी है, क्या प्रतिक्रिया और राय वहां से निकल कर आ रही है? अब देखिए नवजोत, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भाषण हुआ है राज्यसभा में और किसान बिलों को लेकर खास तौर पर बहुत सारी बातें कही, हम सीधे किसानों से सवाल पूछ लेते हैं। कह रहे हैं एमएसपी रहेगा, प्रधानमंत्री एमएसपी था, है और रहेगा। दूसरी बात कर रहे हैं कि आप आंदोलन खत्म कीजिए, सुधार की गुंजाइश है, सुधार की जाएगी, फिर भी आपका आंदोलन क्यों? आंदोलन पहले 11-12 बार तो हो गई, हम तो बैठे ही हैं, 75 बज रहे हैं आज, बात सामने तो आवे। कोई बहुत अच्छा कह रहे हैं प्रधानमंत्री, तो जैसे मन की बात 50 बार उन्होंने कही है, आज भी वो कह रहे हैं एमएसटी लागू रहेगी, तो वहां पे क्यों नहीं बना रहे, गारंटी क्यों नहीं दे रहे, कानून क्यों नहीं बना रहे? आपका देखिए, कानून यूं नहीं बना रहे कि वो जो उन्होंने एक विषय बना लिया कि भाई जो है मेरे मन की चलेगी, देश के अंदर बहुत सारी बातें पहले से चली आ रही। मैं प्रधानमंत्री जी के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो किसानों का विषय है, इस किसानों के विषय को किसानों का ही विषय रहने दे, और आमजन जो खड़ा हुआ है, आप किसी भी स्टेट से ले लीजिएगा सर्वे करा करके, आपके पास पूरा तंत्र है, किसान क्या चाहता है वो आपको जानकारी है, क्या चाहता है ये जानकारी है। कुमार कुणाल, कुणाल यहाँ पर दूसरी बात अहम इसलिए हो जाती क्योंकि ये सदन के पटल से पहली बात प्रधानमंत्री ने बात की, और दूसरी बात वो तो कह रहे हैं कि अगर कहीं संशोधन का भी जिक्र है, किसी के मन में कुछ ऐसी बात है कि कानून में कोई कमी है, तो आकर बात कीजिए, उसके लिए भी सरकार तैयार है। अब इस पर क्या कहेंगे किसान? देखिए, सदन की अपनी मर्यादा होती है, सदन से कोई बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो उस पर आपको क्यों नहीं भरोसा है? क्योंकि उनका तो कहना है कि संशोधन भी हम करने को तैयार है, कमी और बेसी तो रहती है इसमें। देखिए, संशोधन की जो बात है, जो 1.5 साल के लिए सरकार कह रही थी, वो तो ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं भी ठीक है, इसको बढ़ा दो, हम उसके ऊपर तैयार हो जाएंगे। लेकिन मेन मुद्दा है एमएसपी का, एमएसपी के ऊपर कानून बने, सरकार खुद एमएसपी के ऊपर उससे खरीदे, किसान से खरीदे और वो सबको दे सकती है। ये क्या मतलब लग रहा है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री सदन से बोल रहे, इतना जोरदार तरीके से बोल रहे हैं, फिर भी आप नहीं मान रहे? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहूंगा, जो बड़े आदमी होते हैं वो सर्वोच्च हैं आज भारतवर्ष के, तो सर्वोच्च आदमी क्यों नहीं वे संयुक्त मोर्चे को बुला के और बात करते और ये कहते कि आंदोलन खत्म करा दो, ये तो छोटे आदमी की बात होती है। मैं ये कहूंगा वो अपना बड़ा होने का परिचय दे और संयुक्त मोर्चे को बुला के बात करे। हमारे यहाँ से जो बात निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री खुद हस्तक्षेप करे, बातें हैं, सदन से बात हो रही है, लेकिन हस्तक्षेप करेंगे, अगर किसानों को बुलाया जाएगा, उनके साथ बातचीत की जाएगी, तो शायद विमर्श का रास्ता। मैं रोकूंगी आपको राम किंकर, आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल सीधा लिए चलते हैं। राकेश टिकैत बोल रहे हैं, हम आपको सुनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक और बात कही है, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि किसान आंदोलन पर राजनीति चल रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि सियासत की वजह से ही विपक्ष ने यू टर्न लिया है। ये सारी बातें पिछले 2 दशक से लगातार चल रही है, हर फोरम में चली है, ऐसा नहीं है कि कोई हमारे आने के बाद, हर ने कहा और हर एक को लगा कि अब समय आ गया, हो जाए, अब समय आ गया। ये ठीक है, फुटस्टूप कॉमा कोई इधर उधर हो सकता है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भाई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी। मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है, 10 साल के बाद कोई नई सोच आ ही नहीं सकती, ऐसा नहीं होता है जी। ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है, आज के समय हमें जो ठीक लगा चलो चले, आगे सुधार करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे, यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी। रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है जी, और इसलिए, लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा तो देश आगे बढ़ता। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। लेकिन जो ये सब कर रहे हैं अच्छा है,